गीता सिर्फ एक रिलीजियस बुक नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका हमें सिखाने वाली किताब है। आज की इस वीडियो में हम तीन ऐसी इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे जो कि हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहला, हेजिटेशन। हम बहुत बार हेजिटेट करते हैं कि अरे हमारी तैयारी पूरी हुई या नहीं, क्या ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं, मेरे नंबर कम आए तो क्या हुआ। सिमिलरली महाभारत के युद्ध के वक्त भी अर्जुन हेजिटेट कर रहा था, वो डर रहा था अपने सामने इतनी बड़ी सेना को देखकर कि मैं क्या इनसे लड़ पाऊंगा या नहीं, क्या मैं अपनी पत्नी की इज्जत बचा पाऊंगा या नहीं, क्या मैं अपने बड़े बुजुर्गों से लड़ पाऊंगा या नहीं। ऐसे ही कुछ सवाल अर्जुन के मन में चल रहे थे उसी वक्त कृष्ण जी ने उसको मार्गदर्शन दिखाया और कहा कि हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कर्म ही हमारा सच्चा धर्म है। सिमिलरली आज की जिंदगी में हम बहुत बार घबरा जाते हैं कि क्या ये काम मुझसे होगा, मेरी तैयारी तो पूरी है लेकिन क्या मेरे नंबर अच्छे आएंगे या नहीं। हम फल की चिंता करते हैं, हम अपने कर्म पर ध्यान नहीं देते, हम अपने हार्ड वर्क पर, हम अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन पर फोकस नहीं कर पाते लेकिन हम उसके एंड रिजल्ट पर चिंता करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं और इसी चक्कर में हम हेजिटेट करते हैं और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। राइट, सो गीता से हमें ये सीखने को मिला है कि कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। और इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट हमें ये सीखने को मिलता है कि अपनी गलतियों से सीखो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी फेलियर्स से सीखो। ऐसा बहुत बार माना जाता है कि हमारे एफर्ट्स यानी कि हमारा हार्ड वर्क और हमारा जो एंड रिजल्ट होता है वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, बट गीता में ऐसा कहा है कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे रिजल्ट को या हमारी सफलता को प्रेरणा देते हैं, जैसे कि हमारा स्मार्ट वर्क, हमारी डेडिकेशन, हमारा फोकस, या फिर कभी कभार अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, या फिर बहुत से अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे रिजल्ट को बेहतर बनाने में कोशिश करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं होता है। लेकिन गीता में यह भी कहा गया है कि धर्म, सच्चा धर्म ही वो है जिसमें आप मेहनत कर रहे हो। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि आप जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे वहां पर भगवान भी या कोई और इंसान भी आकर आपकी मदद नहीं कर सकता। सो इसीलिए अपनी गलतियों से सीखिए और कभी भी हार मत मानिए, हेजिटेट मत करिए। तीसरा पॉइंट जो हमें गीता से सीखने को मिलता है वो है कि हमारे पास बहुत सारे प्लेजर्स होते हैं इस दुनिया में। तीन तरीके के प्लेजर्स होते हैं, जैसे कि तामसिक, राजसिक एंड सात्विक। तामसिक प्लेजर वो होता है जो कि शॉर्ट टर्म प्लेजर्स होते हैं, जैसे कि मौज मस्ती करना या फिर किसी भी चीज़ का एडिक्शन, फोन का एडिक्शन, खेलने कूदने का एडिक्शन, या फिर किसी को अल्कोहल का एडिक्शन होता है, किसी को ड्रग्स का एडिक्शन होता है। सो ये जितनी भी हमारी लत है, जितने भी हमारे एडिक्शंस हैं, ये सब शॉर्ट टर्म प्लेजर्स देते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लेजर्स या लॉन्ग टर्म खुशियां हमें लाइफ में कभी नहीं देते। दूसरा प्लेजर होता है राजसिक। राजसिक प्लेजर वो होता है जो कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, जैसे कि मूवीज देखना, शोज देखना, प्लेज देखना, थिएटर्स देखना, ये सारी चीज़ें हम अपने मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। और तीसरा प्लेजर वो होता है जिसे कहते हैं सात्विक प्लेजर, सात्विक सुख, जो कि बहुत मेहनत और परिश्रम से होता है और वो सबके बस की बात नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम रोज सुबह सुबह सोचते हैं कि यार आज तो मैं जल्दी उठूंगा और मैं एक्सरसाइज करूंगा, आज मैं सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाऊंगा, जॉगिंग पर जाऊंगा और मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी चल रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है लेकिन हमें अपने एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है, तो ये काम अपने मन के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है लेकिन करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो आम आदमी ये बोल देता है कि हमें राजसिक और तामसिक सुख को त्याग देना चाहिए और हमें सात्विक सुख को अपनाना चाहिए, लेकिन गीता ऐसा कहती है कि ये सरल आदमी के लिए, आम इंसान के लिए ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है।
तो इसीलिए गीता में लिखा गया है कि तीनों सुखों का लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, यानी कि मस्ती भी इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, मनोरंजन भी इम्पॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ मेहनत करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि राजसिक सुख भी जरूरी है, तामसिक सुख भी जरूरी है, और सात्विक सुख भी जरूरी है। तो देखिए, गीता से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि गीता कोई एक धार्मिक पुस्तक की तरह मत देखिए, गीता को एक ऐसे देखिए कि वो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइफ गाइड, इट हेल्प्स अस हाउ टू लिव लाइफ। थैंक यू।